हेलो एवरीवन आई एम रूबी यू आर विद रूबिकल एकेडमी कल की वीडियो में मैंने एन जी पे एम कंप्लीट किया था और आज फिर से एन जी पे ही मैंने एम बनाया है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं एग्ज़ाम में तो इसीलिए फिर से आज मैंने एन जी पे ही एम बनाए हैं और कल के वीडियो के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था शुरुआत उसी क्वेश्चन से करते हैं क्वेश्चन है एस्फोटिडा इज ऑप्टन फ्रॉम अ प्लांट बिलोंगिंग टू फैमिली तो एस्फोटिडा जिसे हींग बोलते हैं तो ये किस फैमिली का है तो ये अम्बेली फेरी फैमिली से बिलोंग करता है तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन है वेलामेन टिशू इज फाउंड इन रूट ऑफ तो वेलामेन टिशू किसके रूट में पाए जाते हैं ठीक वन मिनट यस तो ऑर्किड बी ऑर्किड के टिश्यूज में वेलामन सॉरी ऑर्किड के रूट में वेलामन टिश्यू पाए जाते हैं ऑर्किड के रूट में वेलामन टिश्यू पाए जाते हैं और बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर टू रूट हेयर इमर्स फ्रॉम तो आपने देखा होगा कि रूट पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे रूट हेयर बोलते हैं तो ये कहाँ कहाँ से इसकी ओरिजिन होती है तो एंडोडर्मिस से एंडो एंडोडर्मिस से इसकी ओरिजिन होती है रूट हेयर का और रूट हेयर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रूट से अटैच रहता है और रूट पे रूट टिप रूट कैप सॉरी रूट कैप भी होता है जो कि रूट को हेल्प करता है सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करने में जिससे कि रूट काफी आसानी से वाटर को एब्सॉर्ब कर सके तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है कि एंडोडर्मी से रूट हेयर इमर्ज होता है क्वेश्चन नंबर थ्री एनुअल रिंग इन अ ट्री सिग्निफाई द एज ऑफ द ट्री वॉट दिज एनुअल रिंग आर मेडअप ऑफ तो जो एनुअल रिंग होते हैं जब आप कट सेक्शन देखेंगे किसी ट्री का तो उस पर एनुअल रिंग देखने को मिलेगा जो कि किसी ट्री के एज को डिफाइन करते हैं किसी चीज़ के किसी ट्री के एज का पता लगाने में एनुअल रिंग हेल्प करता है तो एनुअल रिंग किसके बने होते हैं तो एनुअल रिंग ये सेकेंडरी जाइलम ग्रोविंग सेकेंडरी जाइलम से एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है और एनुअल रिंग से किसी ट्री के एज का पता लगाया जाता है तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फोर इन विच प्लांट स्ट्रक्चर निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल इज ऑब्जर्व तो किस प्लांट में निगेटिव प्रेशर प्रेशर पोटेंशियल ये देखने को मिलता है तो निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल ये मिलनी है क्या कि जब वाटर पुल किया जाता है रूट के थ्रू तो ये रूट जाइलम में मिलनी मिलते हैं रूट जाइलम तो ये जाइलम में एक एडोप्टेशन है जो कि वाटर को पुल करने में इस पोटेंशियल का यूज किया जाता है निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल का वाटर को पुल करने में यूज किया जाता है और ये एक एडोप्टेशन है जाइलम में तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है रूट जाइलम नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रोथ रिंग आर फॉर्म ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ तो ग्रोथ रिंग का फॉर्मेशन किस एक्टिविटी से होता है इंटर कैलरी कैम्बियम इंटर कैलरी कैम्बियम के थ्रू ग्रोथ रिंग का फॉर्मेशन होता है फॉर्मेशन तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है और अभी हमने देखा कि ग्रोथ रिंग क्या है इससे किसी ट्री के एज का पता लगाया जाता है ठीक बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑब्जर्व इन एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये कैम्बियम की वजह से होता है और कैम्बियम ये जो डाइकॉर्नस ट्री होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है देखने को मिलता है और क्योंकि कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होता है और कैम्बियम मोनोकॉर्डस में अप्सेंट होता है ठीक इसलिए मोनोकॉर्डिलस में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ड्रेसिना ड्रेसिना आंसर है ये तो मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम की वजह से होता है और डाईकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है क्योंकि उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है मोनोकॉट में कैम्बियम एबसेंट होता है इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता अगर एब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ की बात की जाए तो वो ड्रेसिना में ऑब्जर्व किया गया डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन सैप वुड इज सैप वुड क्या है ठीक तो ये आउटर पार्ट है सेकेंडरी जाइलम का आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रंक ऑफ ट्री इंक्रीज इन गिर्थ बिकॉज ऑफ माइटोटिक एक्टिविटी इन ठीक तो हम जानते हैं कि जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज होते हैं ये किसी ट्री में कई जगह पे पाए जाते हैं कोई उनका स्पेसिफिक प्लेस नहीं है कि बस इसी जगह पे कई प्लेसेस पे, पे पाए जाते हैं किसी ट्री में तो प्लेसेस के बेसिस पे मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ को तीन पार्ट में रखा गया है एपिकल मेरिस्टेम इंटर कैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम तो जो लेटरल मेरिस्टेम है एपिकल इंटर कैलरी और लेटरल मेरिस्टेम तो एपिकल और इंटर कैलरी से ट्री के लंबाई में ग्रोथ ट्री की लंबाई में वृद्धि होती है और लेटरल मेरिस्टेम से चौड़ाई में वृद्धि होती है ठीक तो ये हमें याद में रखना है कि मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं ये प्लेसेस के बेसिस पे तीन पार्ट में रखे गए एपिकल इंटर कैलरी और लेटरल मेरिस्टेम और एपिकल और इंटर कैलरी से लंबाई में वृद्धि होती है और लेटरल मेरिस्टेम से चौड़ाई में वृद्धि होती है ठीक तो यहाँ पे जो ट्रंक का बात किया गया है तो ये आपके मिर्स्टमेटिक टिश्यूज की वजह से ही होता है लंबाई चौड़ाई में जो वृद्धि होती है मिस्टमेटिक टिश्यू के वजह से होती है तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कॉर्क सिल्स आर कॉर्क सिल्स क्या है ये तो एक मिच्योर कॉर्क को डेड बोल मतलब लिविंग नॉन लिविंग बोला जाता है सॉरी जब कोई सेल मिच्योर हो जाता है तो उसे नॉन लिविंग बोला जाता है और कॉर्क सेल की जो सेल वॉल होती है ये काफ़ी मोटी होती है और सुबरिन से बनी होती है और ये वाटर और गैसेस के लिए काफ़ी इम्पर्मेबल होती है ठीक कॉर्क सेल क्या होते हैं ये डेड होते हैं एक मेच्योर कॉर्क सेल जो होता है वो नॉन लिविंग होता है और इसका सेल वॉल काफ़ी मोटा और सुबरिन का बना होता है और ये वाटर और गैसेस के लिए इम्पर्मेबल होता है ठीक सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कॉर्क ऑफ कॉमर्स इज डिराइव फ्रॉम ठीक कॉर्क ऑफ कॉमर्स कहाँ से डिराइव होता है तो ये फैलोजन से डिराइव होता है कॉर्क ऑफ कॉमर्स फैलोजन से डिराइव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पेरिनकाय टिश्यू विद लार्ज वैक्यूल्स आर कॉल्ड तो ऐसे पेरिनकामा टिश्यू जिसमें लार्ज वैक्यूल्स हो तो उन्हें क्या बोला जाएगा ठीक उसे एरन कायमा बोला जाएगा पेरन कायमा टिश्यू विद लार्ज वैक्यूल्स आर कॉल्ड एरन कायमा कोलन कायमा क्या है कि ये पेरन कायमा टिश्यू से लंबाई में ज्यादा बड़े होते हैं और इसमें इंट्रा जो स्पेस होता है ये अपसेंट होता है ठीक तो पेरन कायमा में इंट्रा स्पेस अप्सेंट होता है और सॉरी कोलन कायमा में और ये पेरन कायमा से लंबाई में बड़े होते हैं और पेरनकायमा के बारे में एक बात अगर बताएं तो पेरनकायमा जो हाइड्रोफाइट प्लांट्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं पेरनकायमा ठीक क्लोरनकाया की बात करें तो ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और ड्यू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनमें फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से इनका फूड का फॉर्मेशन भी होता है ठीक तो ये हो गया क्लोरो क्लोरन कायमा प्रोजनकायमा क्या है कि इनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है प्रोजनकायमा इन टिश्यूज में स्टार्च प्रेजेंट होता है तो हमने चारों को देखा क्लोरिन कायमा कोलिन कायमा प्रोसन कायमा एंड एरिन कायमा ठीक तो यहाँ पे आपका आंसर क्या था कि पेरिन कायमा टिश्यू विद लार्ज वेक्यूल सर्कल एरिन कायमा बोला जाता है डी ऑप्शन इसका करेक्ट है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन द पीथ ऑफ ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ तो ग्राउंड टिश्यू होते हैं उनका पीथ किसका बना होता है तो पेरन का बना होता है पेरन का पीथ बना होता है और पीथ जो है ये मोनोकॉटनस के स्टेम में पीथ अब्सेंट होता है और मोनोकॉटनस के रूट में पीथ प्रेजेंट होता है और डाइकॉटनस के रूट में पीथ बहुत कम पाया जाता है तो ये हमें ध्यान में देना है कि पीथ जो है ये मोनोकॉर्टनस के स्टेम में अब्सेंट होता है लेकिन रूट में प्रेजेंट होता है और डाईकॉर्टनस के रूट में ये अप्सेंट नहीं कह सकते कम पाया जाता है और क्वेश्चन का आंसर है पेरनकाइमा द पीथ ऑफ ग्राउंड टिश्यू इज अप ऑफ पेरनकाइमा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड इज स्टोर्ड इन द लिब्स ऑफ तो किसके में फूड स्टोर में होता है तो अनियन के लिप्स में फूड स्टोर होता है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है कि अनियन के लिप्स में फूड स्टोर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट लेंथ इज इंक्रीज बाई ठीक तो अभी मैंने बताया कि जब किसी के किसी प्लांट के लेंथ में इंक्रीज होता है तो वो एपिकल मेरिस्टेम से होता है और तीन टाइप के मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ हैं प्लेसेस के बेसिस पे एपिकल मेरिस्टेम इंटरकलरी मेरिस्टेम और लिटरल मेरिस्टेम तो एपिकल और इंटरकलरी मेरिस्टेम ये लेंथ के लिए होते हैं और लिटरल मेरिस्टेम ये मोटाई में जब वृद्धि होती है तो वो लेटरल मेरिस्टेम से होता है तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म प्रोटोप्लाज वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय तो प्रोटोप्लाज टर्म किसने दिया था सबसे पहले तो प्रोटोप्लाज पी से प्रोटोप्लाज मैंने तो ऐसे ही याद किया है पी से प्रोटोप्लाज्म एंड पी से पुरकिंजे तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का तो है नहीं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज डेवलप्ड फ्रॉम एंजियोस्पर्म में एंडोइस किससे डेवलप होता है ठीक तो जब आप एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्शन प्रोसेस को देखेंगे तो आपको जायगोट में जाइगोट जो होता है वो एट सेल का होता है तो जो ऊपर वाला पोर्शन ये होता है यहाँ पे तीन सेल होंगे यहां पर भी तीन सेल होंगे और दो यहां पर पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं तो इस वाले अपर वाले एंड को बोला जाता है चलाजल एंड ठीक और जो ये पोलर न्यूक्लियाई हैं तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इंडोस्पर्म इन एनजीओसप इज डिवाइड फ्रॉम तो सेकेंडरी न्यूक्लियस से सेकेंडरी न्यूक्लियस से एनजीओसपम इंडो में इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है ठीक तो एट न्यूक्लिएटेड एनजीओसपम में ये स्ट्रक्चर होता है ठीक ऊपर के तीन ऊपर वाले ऊपर भी तीन होंगे और ऊपर वाले एंड को चलाजल एंड बोला जाता है और एंटीपोडल एंड नीचे का हो गया और बीच में पोलर न्यूक्लियाई दो होते हैं तो इंडोज का फॉर्मेशन सेकेंडरी न्यूक्लियस से होता है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कंपेनियन सेल आर यूजली एसोसिएटेड विथ तो कंपेनियन सेल किससे एसोसिएटेड होते हैं तो ये शिव ट्यूब से शिव ट्यूब से एसोसिएट होते हैं कंपेनियन सेल डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर नेक्स्ट क्वेश्चन द पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म इज तो एंजियोस्पर्म की ओरिजिन किस पीरियड में हुई थी तो जुरसिक पीरियड में एंजियोस्पर्म की ओरिजिन हुई थी ठीक तो जब ये डाटा पूरा देखा गया पूरा हिस्ट्री देखा गया तो पाया गया कि जुरैसिक पीरियड में एंजियोस्पर्म की ओरिजिन हुई थी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, Next question. Next question है बुली फॉर्म सेल्स और मोटर सेल्स आर प्रेजेंट इन ठीक तो बुली फॉर्म सेल या मोटर सेल किसमें प्रेजेंट होते हैं तो ये सैक्रम सैक्रम में बुली फॉर्म सेल्स पाए जाते हैं ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है बुली फॉर्म सेल्स और मोटर सेल्स आर प्रेजेंट इन सैक्रम ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्टोजन थ्योरी वॉज प्रपोज बाई ये काफ़ी फेमस थ्योरी है हिस्ट्रोजन थ्यूरी और ये हेंस्टिन ने दिया था Hainstein ने हिस्ट्रोजन थियोरी दिया था बी ऑप्शन पे करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन तो ये लास्ट है और ये एक होमवर्क क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है क्वेश्चन है पेरीडम इंक्लूड्स फैलेम फैलेम फेलोडम फैलेम फेलोजन फेलोडम फैलेम या फेलोजन चार ऑप्शन है और आपको जो करेक्ट लगे आपको जो मालूम है आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं और अगर आप कोई चेंज चाहते हैं आप कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा वन मिनट हाँ तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों के के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और वीडियो को लाइक कीजिए आज के लिए के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ और अपना आंसर भी दीजिए और आपके कितने क्वेश्चन सही है हुए हैं बीस में से ये भी बताएँ तो थैंक यू सो मच